नमस्ते दोस्तों, मैं सैम फिर से आ चुका हूँ एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ। तो मैं फिर से आ चुका हूँ क्राइसिस एक्स का एक नया पार्ट लेकर। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस लेवल में आकर जो जो टास्क है वो आप लोग कैसे कंप्लीट करें। और यहाँ पर मेरे बेस में जम्बी अटैक भी हुआ था, आप लोग को मैंने दिखाया, तो पूरा दिखाऊँगा किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा यार्ड ऑफ प्लेटफॉर्म, उसके बाद हेन हाउस बनाना पड़ेगा, प्लांटिंग प्लॉट बनाना पड़ेगा और काउस के लिए एनिमल प्लॉट भी बनाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ में बनाने के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा ये बनने में। और ये जो सिंपल ड्यू कलेक्टर है इसको मैंने एक बना लिया है, आप लोग देख सकते हो, और एक भी बना सकता हूँ। तो इसको मैं अभी बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा छोड़ देता हूँ, इसको अभी छोड़ देता हूँ। और ये जो चीज़ है आप लोग देख सकते हो, ये कुछ मैंने बनाया है और कुछ बाद में बनाऊंगा। अभी जो जो बनाने की ज़रूरत है वो सभी कुछ मैं बना लूँगा और उसको प्लेस करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो रेजिन है ये मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे बॉक्स ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और एक्स्ट्रा चीज़ में रखने की जगह नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये कैबिनेट बनाना है। मगर इसको बनाने के लिए रेजिन और ग्लू चाहिए, और सब चीज़ मेरे पास है मगर ये रेजिन और ग्लू मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं इसलिए ये बना नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो बन चुका है, दो चीज़ बन चुका है। तो मैं सबसे पहले वो दो चीज़ को वहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पानी का जो दो टैंक मैंने लगाया है उसमें एक फुल हो चुका है और एक हाफ है। तो इसको मैंने एक इस तरह से फुल किया है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मेरे पास जो बोतल है, बड़ा कंटेनर मेरे पास अभी नहीं है, तो मेरे पास जो 5 बोतल है वो मैंने भर भर कर, यहाँ से पास में ही मेरे पानी है, इस पानी के लिए मुझे ड्यू कलेक्टर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। उसमें क्या पानी है मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ही पानी है, तो उससे मैं इस तरह से भर कर यहाँ पर आकर खाली कर देता हूँ। और इस तरह से मैं ये जगह पूरे पानी में भर चुका हूँ। अगर आगे मुझे अपना बेस दूसरे जगह पर ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर पानी नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर पानी एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एयर डप आ जाएगा, जहाँ पर वो क्रॉस का साइन है वहाँ पर एयर डप आएगा। तो एयर डप लाने के लिए मुझे सबसे पहले रेडियो में कहना पड़ेगा, मैसेज सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीसरे ऑप्शन में जो सेंड कोऑर्डिनेट है वहाँ पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, उससे ही मेरे पास मिलिट्री बेस से ये सब कुछ आ जाएगा एयर डप। मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो देने की कोशिश कर रहा है इस देश का जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री है, यहीं छुपा हुआ है सब लोग, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एपोकलिप्स बहुत ज़बरदस्त है, सभी लोगों को ऊपर इफेक्ट कर रहा है। मगर यहाँ पर जो बोन के जंगल के जो जीव है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये किस तरह सा वायरस है पता नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर और एक प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाने के लिए दे चुका हूँ, एक मिनट का थोड़ा काम वक्त लगेगा। उसके अंदर में यहाँ पर जो जो व्हील अभी बाकी है वो व्हील करके चलाता हूँ। यहाँ पर यादव प्लेटफॉर्म के पास ही में ये एनिमल
एनिमल रखने की जो जगह है वो फिट कर दूंगा, मगर यहाँ पर फिट फिट नहीं हो रहा है क्योंकि जगह थोड़ा ऊंचा नीचा है। अब लोगों को पता है कि इतना ढूंढने के बाद ये जगह मुझे मिला था, तो दूसरे के ये अच्छे जगह नहीं है, यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा तो जगह ही नहीं मिलेगा। इस गेम की एक परेशानी है, बहुत सारे लोग घर बना कर रखा है और जगह नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये प्लेस हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। इसको प्लेस करने के बाद ये जो हैन रखने का जगह है उसको भी प्लांट करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर प्लांट नहीं करूँगा, उसके पास ही प्लांट करूँगा, जिससे एक साथ में दूर जाना नहीं पड़ेगा, एक साथ ये दोनों चीज़ को मैं देख सकूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको उस तरफ घुमा देता हूँ, एक ही जगह ठहर कर मैं इसको एक बार उसको एक बार चेक कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है मेरे पास, ये एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर प्लेट, इसको मैं कहाँ सेट करूँ, इसके ऊपर मैं सभी कुछ एग्रीकल्चर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया इसको, और एक अभी बन रहा है उसको भी लेकर आऊँगा, उसको भी यहाँ पर प्लांट कर दूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कहाँ चला गया ये शायद मेरे बैग में आ चुका है, पता नहीं, बिल में क्लिक करूँगा तो दिखाई दे जाएगा। ऐसा इससे पहले भी मेरे साथ हुआ था, कुछ क्राफ्ट करने के लिए दिया था, मगर वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एड्रॉप आ चुका है, कब आया मुझे पता नहीं चला। तो ये एड्रॉप आ चुका है, तो इसके अंदर क्या है मैं देख लूँगा। वो इसके अंदर काल्फ है और हैन है, ये सब मुझे चाहिए, मेरे पास अभी है काव और हैन, मगर यहाँ पर एड्रॉप से भी मुझे मिल रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर दे दूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा जो पानी का कंटेनर मिला है उसमें पानी भर लेता हूँ, ये कंटेनर मेरे पास नहीं था, अब मुझे मिला है, आप लोग देख सकते हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भर कर ले जा सकता हूँ, ये बार बार आकर पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मगर इसमें साइन क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें पानी भर नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता नहीं, फूल दिखा रहा है मगर यहाँ पर साइन नहीं, पानी होने का जो छोटा सा कलर होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं फेंक देता हूँ। फेंकने के बाद इसको फिर से लोड करता हूँ, अब साइन आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, पानी का सिग्नल भी आ चुका है, ये लोड हो चुका है। शायद इससे पहले बहुत कम पानी था, मगर कम पानी होगा तो फिर भी ये लोड हो जाएगा। यहाँ पर बारिश भी चालू हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास बैग में ही था एग्रीकल्चर प्लेट, तो ये प्लांटिंग प्लॉट, इसको मैं कहाँ पर सेट करूँ, स्मॉल प्लांटिंग प्लॉट, ये एग्रीकल्चर के लिए है, तो यहाँ पर तो सेट नहीं हो रहा है, मैं उस तरफ सेट करके आता हूँ, कोशिश करूँगा इस जगह के अंदर, ये जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सेट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेट हो रहा है, मैंने सेट कर दिया है, पहले सेट तो कर देता हूँ, उसके बाद इसको रिलोकेट करूँगा, क्योंकि एक बार सेट होने के जगह पर सेट नहीं करूँगा तो उसके बाद नहीं सेट होगा तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, क्योंकि जगह बहुत कम है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सही तरीके से सेट करूँगा, इसको घुमा लेता हूँ और मेरे तरफ, हाँ ठीक है, अभी सेटिंग है, इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले प्लांटिंग, तो सबसे पहले प्लांटिंग करने के लिए मेरे पास सीड है, आप लोग देख सकते हो कॉर्न का सीड है और पोटैटो का सीड है, दूसरा कुछ मेरे पास अभी है नहीं, ये सब जीरो है। तो मैं सबसे पहले दो पोटैटो दे देता हूँ, पहला मैं जल्दी कर चुका था इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पर दो पोटैटो मैंने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर मैं एक कॉर्न डाल देता हूँ, यहाँ पर हो चुका है दो पोटैटो और दो कॉर्न। अब आगे मैं यहाँ पर फिर से पोटैटो दे देता हूँ,
आप लोग देख सकते हो दो पोटैटो मैंने दे दिया है, यहाँ पर नहीं हुआ था, अब ठीक है, अब हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कॉर्न सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको भी दे देता हूँ। यहाँ पर मार्चन का कॉल आया था, मार्चन यहाँ पर मेरे मेलबॉक्स के पास बैठा हुआ है, तो यहाँ से मैं यह कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से उसके पास जाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे सीट का बैग आया है और थोड़ा हेन और काऊ दिया है, वो मैं बाद में यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर क्या क्या सेल या खरीद सकता हूँ देख लूँ। मार्चेंट ये कहाँ से आया है किसी को पता नहीं, मगर ये जी हर चीज़ को खरीद रहा है और उसके बदल भी रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैं सीट भी खरीद सकता हूँ, यहाँ पर पत्थर भी खरीद सकता हूँ। 100 पत्थर के लिए 3 सिगरेट देना पड़ेगा। ये जो सिगरेट है ये एक्चुअली पीने वाला फूंकने वाला वो सिगरेट नहीं है, ये एक पैसे की तरह काम कर रहा है। आप कुछ चीज़ बेचकर सिगरेट ले सकते हो और वो सिगरेट देकर कुछ चीज़ खरीद भी सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे चीज़ है जिसको मैं सिगरेट में बदल रहा हूँ। ये जो फ़ोन है सेल फोन, इससे मुझे 6 सिगरेट मिल चुका है। ये कॉइन 4 कॉइन में 1 सिगरेट मिलेगा और ये इससे 1 मिलेगा, ये रिकॉर्ड से। इस तरह से मैं ये सारी चीज़ को, मेरे पास रखने की जगह नहीं है इसीलिए मैं इसको सिगरेट में बदल रहा हूँ, तो इसको लीव कर देता हूँ। इसमें अभी कुछ नहीं खरीदूँगा, मेरे पास सब कुछ है, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है। अब लोगों को पता है यहाँ पर जितना हेन चाहिए उससे ज़्यादा हेन है, जितना काउ चाहिए उससे ज़्यादा काउ मेरे पास है, सब कुछ है। मगर एक नए बॉक्स बनाने के लिए, कैबिनेट बनाने के लिए जो रेजिन चाहिए और ग्लू चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो किसी जगह पर मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका हूँ, कहाँ पर है मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखता हूँ काउ को तरफ जाता हूँ, काउ के तरफ जाकर यहाँ पर 8 काउ प्लांट कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले ये जो बड़े काउ है इसको प्लांट करूँगा, थोड़ा वक्त ले रहा है, आप लोग देख सकते हो। स्पीड में करूँगा तो नहीं होगा, यहाँ पर 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसको पुट कर देता हूँ, ये जो यहाँ पर 5 हो चुका है और 3, 7 और ये कलरफुल जो है इसको दे देता हूँ। यहाँ पर 8 कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और मैं नहीं यहाँ पर दे सकता, मेरे पास काउ के बच्चे कुछ बच चुका है, वो 5 बच्चे अभी है मेरे पास, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं अभी मेरे पास ही रखता हूँ, बाद में यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पर अभी हैन है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे हैन है, मगर यहाँ पर सिर्फ 6 हैन की वो ही मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो मेरे पास अभी 6 ही है। अब लोग देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यहाँ पर क्लेम करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर खाना भी इन लोगों के भरे हुए है, तो खाना भी अभी डालना नहीं पड़ेगा, मगर वक्त वक्त में इसको खाना और पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ये सब मर जाएगा। तो यहाँ पर मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मेरे बैकपैक ऑलमोस्ट फुल है, 51 हो चुका है 65 के जगह। और यहाँ पर सिग्नल में दिखा रहा है ज़ॉम्बी अटैक, आप लोग देख सकते हो ज़ॉम्बी वेव आ रहा है मेरे तरफ, चारों ओर से ज़ॉम्बी का अटैक होगा, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है और कुछ वक्त में ही स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या क्या करना है कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ ऐसा है जिसको मैं फेंक भी नहीं सकता, अभी काम में नहीं आ रहा है, मगर बाद में काम में ज़रूर आएगा। इस तरह का चीज़ बहुत सारे है और जो चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे नहीं मिल रहा है,
जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो जोम्बी अटैक। तो मैं जोम्बी अटैक से डिफेंड करने के लिए छत में चला जाता हूँ, उसके ऊपर जाकर देखता हूँ किस तरफ से जोम्बी आ रहा है। आप लोग इधर रेड डॉट देख रहे हो मैप के ऊपर, वहाँ से जोम्बी आ रहा है। वो बहुत सारे जोम्बी आ रहा है, वो इतने सारे जोम्बी को मैं किस तरह से डिफेंड करूँ। तो पहले इसको डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हो एक शॉट में ही ये नहीं मर रहा है, ये स्पीड में आ रहा है, इसलिए इसको मार दिया मैंने। अभी गन लेकर, गन में ज़्यादा बुलेट नहीं है मगर फिर भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, बाद में मैं कलेक्ट कर लूँगा। गोली और गन में अभी बना नहीं सकता, उतने लेवल में मैं पहुँचा नहीं। ये जो मिला था रिवॉल्वर और आप लोग देख सकते शॉट गन, वो मुझे मिला हुआ है और बुलेट भी मुझे मिलता है, उससे मैं ही काम चलाता हूँ। मैं खुद से नहीं बना पाता हूँ अभी तक। यहाँ से मुझे बुलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, इतने सारे चीज़ दिखा रहा है। जितने ज़ॉम्बी मारूँगा उससे मुझे कुछ कुछ चीज़ तो मिलेगा। यहाँ पर फास्ट वेब मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। वो दूसरा वेब इससे भी बड़ा है, हर वक्त यही होता है, फास्ट वेब से दूसरा वेब ज़्यादा बड़ा होता है, मगर मेरे पास ज़्यादा गोली भी नहीं है। तो मेरे पास जितना वो वगैरह आरो से जितना हो सके मार ले मार कर, उसके बाद में जितने स्पीड से आ रहा है कहीं ठहरेगा तब मुझे एरो से उसको मार पाऊंगा। चलते हुए एरो से नहीं मार पाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुका है, ये मेरे घर को तोड़ देगा मुझे ऐसा लग रहा है। ये सारे मेरे घर के ऊपर अटैक कर रहा है, ये सब मेरे घर को तोड़ सकता है। ये मैं अब गन लेकर जितना हो सके मार कर क्लियर कर देता हूँ, जितना कम ज़ॉम्बी हो जाएगा उसके बाद में पास जाकर भी फाइट कर सकता हूँ, अभी उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो ज़ॉम्बी है सबके पास कुछ तो मिलेगा, मगर मुझे यहाँ पर जो जो ज़रूरत की चीज़ है वो शायद नहीं मिलेगा। कॉमन चीज़ लेकर ये घूमता रहता है ये लोग। फूड मिल सकता है, आयरन मिल सकता है, इस तरह का यहाँ पर भी बहुत सारे है, आप लोग देख सकते हो। इसको मार देता हूँ, ओ ये ख़त्म हो चुका है, ये वक्त ख़त्म हो चुका है, सारे ज़ॉम्बी यहाँ से चला गया है। जितना मर चुका है उससे क्या क्या मिलता है मैं देखूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ से वुड मिल रहा है और जो भी कॉमन चीज़ है वो सब कुछ मिल रहा है, मगर यहाँ पर थोड़ा बुलेट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरा सारे बुलेट ख़त्म हो चुका है और मेरे एरो भी वुडन एरो जो था वो भी ख़त्म हो चुका है, एरो भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मेरे बैकपैक भी भर चुका है, तो सामने जो है सबको सब कुछ मैं उठा लूँगा। और मेरे पिकर, मेरे कुत्ते का नाम मैंने पिकर रखा है, वो मेरे साथ सब कुछ पिक कर लेता है इसलिए उसका नाम पिकर है, वो भी थोड़ा थोड़ा चीज़ पिक कर रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक